मदीना एजुकेशन सेंटर मिलाद नबी के रोज रहमत आलम इंटरनेशनल पीस अवार्ड 2021 अनिल कुमार चौहान साहब को दिया। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से हर साल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रहमत आलम इंटरनेशनल पीस अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड ऐसे गैर मुस्लिम फ़र्द को दिया जाता है जो इस्लाम और इस्लाम के ताल्लुक से नुमाया कारगर्दगी अंजाम देता रहा है। इस साल रहमत आलम इंटरनेशनल पीस अवार्ड अनिल कुमार चौहान साहब को दिया जाता है और ये अवार्ड अनिल कुमार चौहान साहब को मिलादुन्नबी ईद मिलाद के मौके पर इंशाअल्लाह ताला अगर 19 अक्टूबर को अगर ईद मिलाद होगी तो 19 अक्टूबर को मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली पर सुबह 11 बजे यह अवार्ड दिया जाएगा और उससे पहले सुबह 10 बजे एक कैलीग्राफी खत्ताती का एक एग्ज़िबिशन का इफ्तिताह उसी मदीना एजुकेशन सेंटर में सुबह 10 बजे एग्ज़िबिशन का इफ्तिताह होगा और वो दिन भर रहेगा। फिर दूसरे दिन भी वो दो दिन का एग्ज़िबिशन रहेगा और एक दिन अवार्ड का प्रोग्राम रहेगा। ये दोनों दिन अहम है इंशाअल्लाह ताला उसकी अंग्रेज़ी तारीख से हिसाब से फिर से ऐलान किया जाएगा, लेकिन ईद मिलाद के रोज़ ये इफ्तदाई तकरीब और ये अवार्ड तकरीब दोनों भी तकरीबें मुनक़द होंगी। रहमत आलम कमेटी की जानिब से जो मुझे अवार्ड दिया जा रहा है मैं काफ़ी मसरत का इजहार कर रहा हूँ और आवाम से गुजारिश है कि काफ़ी तादाद में आकर खत्ताती की नुमाइश का भी मुशाहदा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैसेज तो मैं ये देना चाह रहा हूँ, मैं काफ़ी बरसों से मस्जिदों में कुरान की आयतें वगैरह लिखता दिखता आ रहा हूँ, मैं खत्तात हूँ, कि हर इंसान जो सो हैदराबाद में बहुत खुलूस मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम का काफ़ी इत्तेहाद है, गंगा जमनी तहजीब है, तो मैं ये गंगा जमनी तहजीब की रवादारी में काम कर रहा हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे ये अवार्ड देने के लिए इंतखाब किया गया।